हेलो एवरीवन, दिस इज पी के शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी आवर यूट्यूब चैनल आयांस लर्नर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेजरिंग टूल्स के बारे में देखा था। देखते हैं मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, द टूल विच इज यूज टू मेजर समथिंग, मतलब कि जो टूल कुछ मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो टूल कुछ मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं या फिर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग मेजरिंग टूल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल का वर्गीकरण। तो ये बताया गया था लेंथ मेजरिंग टूल्स, लंबाई के आधार पर लंबाई मापने वाले औजार, एंगल मेजरिंग टूल्स कोण मापने वाले औजार, कंपेयरिंग टूल तुलना करने वाले औजार, प्लेन सरफेस मेजरिंग टूल्स आपका समतल सतह को मापने वाले औजार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, लेंथ मेजरिंग टूल्स, लंबाई लंबाई मापने वाले औजार। फ्रेंड्स, लंबाई मापने के लिए दो तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, जो सामान्य टूल होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत खराब होती है, और दूसरा होता है प्रिसाइज मेजरिंग टूल या फिर प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स। तो फ्रेंड्स, जो प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स हैं, हम लोग पढ़ेंगे आपका जो एक्यूरेसी के आधार पर टूल्स का वर्गीकरण होता है, उसके अनुसार जो बताया गया था उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग देख चुके थे क्लासिफिकेशन पिछली वीडियो में, टूल्स का क्लासिफिकेशन और मेजरिंग टूल्स क्या होता है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स कृपया करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और उस वीडियो को वॉच करिए, फिर इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, अन्यथा आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, लेंथ मेजरिंग टूल्स, लंबाई मापने वाले औजार। तो फ्रेंड्स, देख रहे होंगे कि लंबाई मापने वाले औजार जो होते हैं, दो होते हैं, एक रूल होता है और दूसरा होता है स्केल। फ्रेंड्स, क्या होता है? रूल और स्केल। सबसे पहले देखते हैं रूल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, रूल जो है आपका, यह वुडेन होता है या फिर मेटैलिक होता है, वुडेन या फिर किसी मेटल का बना होता है, धातु या लकड़ी का बना होता है। आपकी रूल जो है धातु की या लकड़ी की बनी होती है। फ्रेंड्स, पहले के समय में जो लकड़ी वाली रूल है यही प्रयोग की जाती थी, लेकिन अब जो है मेटल की रूल प्रयोग की जाती है, उस रूल को हम लोग कहते हैं स्टील रूल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? स्टील रूल उसको बोला जाता है। जो मेटैलिक रूल होती है उसे हम लोग स्टील रूल कहते हैं। फ्रेंड्स, मेटैलिक रूल, जो मेटैलिक रूल है वो आपकी स्टील रूल कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं स्टील रूल की संरचना हमारी कैसी होती है। फ्रेंड्स देखिए, ये है स्टील रूल, ये जो है स्टील रूल है। ठीक ऐसे ही वुडेन वाली रूल भी होती है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसकी जो लाइफ होती है, काफ़ी कम होती है, इसीलिए अब उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये आपकी स्टील रूल है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ भी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन, ये भी ग्रेजुएशन है, और ये भी आपका क्या है,
ग्रेजुएशन है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये भी पैमाना है, ये भी पैमाना है। ये जो पैमाना है ऊपर वाला, ये आपका मैट्रिक में है। आपको बताया गया होता गया था कि एमकेएस और सीजीएस दोनों को मिला के मैट्रिक बनता है, और नीचे वाला जो पैमाना है ब्रिटिश सिस्टम में है, ब्रिटिश सिस्टम में है। तो यहाँ पे जो आपका जो पैमाना बना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर बन में बना है, जबकि नीचे जो पैमाना जो है आपका इंच में बना है फ्रेंड्स। तो देखिए, एक टर्म होता है कि जो आपको बताया गया था एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन किया जाता है फ्रेंड्स। एक्यूरेसी जो किसी टूल की एक्यूरेसी होती है, उसे उस टूल के लीस्ट काउंट से डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले लीस्ट काउंट आपका क्या होता है। लीस्ट काउंट शॉर्ट में एल से लिखते हैं, हिंदी में अल्पतमांक, मतलब कि अल्पतम माप। तो देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है फ्रेंड्स, किसी यंत्र के द्वारा ली जाने वाली सबसे छोटी माप, द लोएस्ट मेजरमेंट टेकन बाई एन इंस्ट्रूमेंट, दी लोएस्ट मेजरमेंट मेजरमेंट टेकन बाई एन इंस्ट्रूमेंट, टेकन बाई एन इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल, टेकन बाई एन टूल, मतलब कि टेकन बाई अ टूल, एन करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट करेंगे, अगर यहाँ पे एन इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे या फिर ए टूल, द लोएस्ट मेजरमेंट टेकन बाई ए टूल, मतलब किसी टूल के द्वारा ली जाने वाली सबसे छोटी माप आपकी क्या कहलाती है फ्रेंड्स, लीस्ट काउंट कहलाती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर छोटी माप मतलब जितना ही जो आपका लीस्ट काउंट है और एक्यूरेसी है, इसमें क्या रिलेशन होता है, अगर ये जितना ही कम होती जाएगी एक्यूरेसी आपकी उतना ही बढ़ती जाएगी, मतलब इसमें व्युत्क्रम का संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक्यूरेसी। लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक्यूरेसी, मतलब ये घटेगा तो ये जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी यंत्र का लीस्ट काउंट कम है तो उस यंत्र की एक्यूरेसी क्या है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, इस जो आपका स्टील रूल है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका मैट्रिक प्रणाली है उसमें जो आपका लीस्ट काउंट हो सकता है 1/2 या 0.5 मिलीमीटर, दोनों एक ही चीज़ है, या फिर हो सकता है आपका 1 मिलीमीटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। और इंच में जो है आपका एक्यूरेसी जो है 1/64 इंच या फिर 1/32 इंच हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जो सबसे छोटी माप मैट्रिक में ली जाएगी स्टील रूल द्वारा 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर, और ब्रिटिश में 1/32 या आपका जो है 1/64 इंच हो सकता है। फ्रेंड देखते हैं इसका मटेरियल क्या होता है। मटेरियल जो है स्टील रूल का स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील आदि हो सकता है फ्रेंड्स। इसी का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, इनमें रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी जो घिसाव रोधी क्षमता है ये भी क्या होती है, अधिक होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे कि आपका जो ये जो स्टील रूल है कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ स्टील रूल देखते हैं फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ स्टील रूल देखिए, सबसे पहले है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड स्टील रूल, जो मैंने अभी आपको आपको दिखाया था जो रूल, वो होती है स्टैंडर्ड स्टील रूल। दूसरा होती है प्लेन स्टील रूल, फिर फ्लेक्सिबल स्टील रूल, फिर नैनो रूल,
हुक रूल, कीसीट रूल, कैलिपर रूल, श्रिंकेज रूल, शार्ट रूल, डेप्थ रूल आपका, उसके बाद होता है स्टील टैप, फिर होता है फोल्डिंग रूल। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है स्टैंडर्ड स्टील रूल, देखते हैं, यही है फ्रेंड्स आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल। थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा हो गई है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टील रूल आपको जो दिख रही है चित्र में, ये है आपकी स्टैंडर्ड स्टील रूल। ये जो है आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल है। देखिए फ्रेंड्स इसकी संरचना ठीक यही होती है, ऐसे ही होती है। इसमें दोनों प्रणाली में पैमाने बने होते हैं आपका, एक तरफ मैट्रिक सिस्टम में और दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश सिस्टम में, इसमें पैमाना बना होता है। फ्रेंड्स ये जो स्टील रूल है आपका 6 इंच से 48 इंच तक उपलब्ध होती है, 6 इंच से 48 इंच, ये नोट करने लायक है फ्रेंड्स। इसकी जो लेंथ होती है 6 इंच से 48 इंच तक होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ, चौड़ाई एक एक इंच या 1 इंच या 3/4 इंच होती है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है 6 से 48 इंच तक उपलब्ध होती है, चौड़ाई जो है आपका 3/4 इंच या 1 इंच होती है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है इसका जो लीस्ट काउंट है फिलहाल में, ये वाली जो रूल है आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका 10 10 मिलीमीटर है, और ये जो हिस्सा है 1 मिलीमीटर है, ये वाला पोर्शन मैं बाहर करके दिखा रहा हूँ, ये जो है 1 मिलीमीटर है, लेकिन उसको भी आधा किया गया है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा क्लियर है, ये 1 मिलीमीटर वाला हिस्सा है इसको भी आधा किया गया है। इसका मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है मैट्रिक में इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0.5 मिलीमीटर। तो यंत्र देख के आप लीस्ट काउंट बता सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत कह देंगे कि किसी भी स्टील रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है या फिर 0.5 मिलीमीटर होता है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब तक आप यंत्र को नहीं देखेंगे उसका लीस्ट काउंट आप नहीं बता सकते हैं। फ्रेंड्स इंच में देखते हैं इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। यहाँ पे देखिए आपका जो है ये 1 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, इसमें 4 खाने बने हैं, 1 2 3 4, और प्रत्येक खाने में 4 खाने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये वाली जो प्ले आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल है इसका जो आपका लीस्ट काउंट है आपका फ्रेंड्स, ये जो है 1/16 इंच है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो स्टील रूल है, स्टैंडर्ड स्टील रूल है, इसका लीस्ट काउंट 1/16 इंच है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये सब, एग्जाम में पूछता है कि जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है कितनी लंबाई तक उपलब्ध होती है। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स प्लेन स्टील रूल, आगे हम लोग देखते हैं प्लेन स्टील रूल। तो ये है फ्रेंड्स आपकी प्लेन स्टील रूल, प्लेन स्टील रूल। ये स्टील रूल जो है आपकी प्लेन स्टील रूल है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक है, ब्रिटिश प्रणाली है, ज्यों का त्यों बस खींच के छोड़ दिया गया है, मतलब इसमें आधा वगैरह नहीं किया गया है, देख रहे फ्रेंड्स इसका आधा आधा नहीं किया गया है, यह साधारण ही बस इसको इंच, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बना दिया गया है।
इसीलिए इसको हम लोग प्लेन स्टील रूल कहते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट काफ़ी कम होता है। देखिए इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1/10 इंच, और ये जो है 1 मिलीमीटर। द मैट्रिक में जो लीस्ट काउंट है इसका 1 मिलीमीटर है, और ब्रिटिश में इसका जो लीस्ट काउंट है फ्रेंड्स 1/10 इंच है। फ्रेंड्स देखिए वीडियो को अगर आप लोग भगा भगा के देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो देखिए समय निकालिए और वीडियो को स्लोली देखिए, आराम से ध्यानपूर्वक देखिए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, तब जाके आपको सारा कुछ क्लियर होगा, और घबराइए मत फ्रेंड्स। तो देखिए लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, और जो ब्रिटिश सिस्टम में लीस्ट काउंट क्या होगा, 1/10 इंच होता है। फ्रेंड्स ये जो आपकी रूल होती है 6 से 12 इंच की लंबाई में उपलब्ध होती है, 6 इंच से 12 इंच तक लंबाई में आपकी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है, अब देख रहे होंगे कि इसको घिसने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह दे दी जाती है कि इस स्टील रूल की एक्यूरेसी जो है खराब ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अगर अलग से डिवाइडेशन नहीं हुआ है पैमाने का, केवल प्लेन पैमाने बने हैं। तो ये आपकी थी फ्रेंड्स प्लेन स्टील रूल। आगे देखते हैं कौन सी स्टील रूल है। अगला जो है आपका फ्लेक्सिबल स्टील रूल है। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल सबसे पहले हम लोग देख देते हैं नैरो स्टील रूल फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लेक्सिबल स्टील रूल, या फिर देख लेते हैं फ्लेक्सिबल स्टील रूल ही। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। यह स्टील रूल जो दिखने में है बिल्कुल आपका प्लेन स्टील रूल के ही समान होती है, लेकिन इसकी जो ये मोटाई होती है, यहाँ से स्टील रूल की ये जो मोटाई होती है, ये यहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये जो मोटाई होती है काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम होती है ये फ्रेंड, ये वाली जो मोटाई है, ये वाली जो मोटाई है बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर ये मोटाई अधिक रहेगी तो ये सतह पर आपका मुड़ेगी नहीं, और इसकी चौड़ाई लगभग 1/2 इंच होती है, 1/2 इंच जो फ्लेक्सिबल होती है फ्रेंड, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल स्टील रूल। इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 6 इंच के लगभग, जो चौड़ाई होती है 1/2 इंच, और मोटाई जो होती है इसकी काफ़ी कम होती है, ताकि यह किसी भी सतह पर आसानी से क्या हो जाए फ्रेंड, फैल जाए। जैसे मान लीजिए कोई गोल सतह है, ये सर्कुलर सतह है आपकी, तो ये जो स्टील रूल होगी कुछ ऐसे आपकी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस हिसाब से आपका मुड़ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबल स्टील रूल से ले सकते हैं। अगला जो है आपका नैरो स्टील रूल है। नैरो का मतलब आप लोग जानते होंगे, नैरो नैरो मतलब जानते होंगे पतला या संकरा। तो फ्रेंड्स ये जो स्टील रूल होती है काफ़ी पतली होती है। पतली का मतलब ये नहीं है कि इसकी मोटाई कम होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है फ्रेंड्स, और ये जो चौड़ाई होती है मात्र 5 मिलीमीटर होती है, 5 मिलीमीटर याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है नैरो रूल की, जो होती है 5 मिलीमीटर होती है, और लंबाई इसकी 6 इंच, लगभग 6 इंच होती है, जितना फ्लेक्सिबल का होता है आपका इसका भी होता है लेंथ। लेंथ जो है इसका 6 इंच होता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे, जाहिर सी बात है पतली है तो किसी स्लॉट में या फिर किसी नाली में आसानी से पहुँच कर आपका जो है माप या स्टील रूल ले लेगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे जो है हुक रूल है, ये इसका जो नाम है हुक रूल है। आप लोग प्रीवियस पेज पे देखें ये सब कुछ, हुक हुक स्टील रूल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हुक लगा है, यहाँ पे हुक, यहाँ भी हुक लगा है, तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? अब तो सब जान ही चुके हैं आप लोग कि ये पैमाना बना है रीडिंग लेने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई गोल पाइप है फ्रेंड्स, ये देखिए पाइप बना रहा हूँ मैं, ये मान लीजिए आपका कोई गोल पाइप है, अगर इसके अंदर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसके अंदर की जो है साइजों को लेना है, तो क्या करेंगे, इस हुक स्टील रूल को यहाँ पे डालेंगे और ये हुक यहाँ से फंस जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर साधारण स्टील रूल डालेंगे तो ये इधर उधर हिलेगी डुलेगी और या फिर नीचे चली जाएगी और साइज आपको नहीं मिलेगा, तो ये हुक क्या होगा, इसकी ये सतह पे फंस जाएगा। तो फ्रेंड्स इस स्टील रूल का हम जो प्रयोग करते हैं, जो आपका किसी छेद या पाइप के किनारे पर फंसा देते हैं और हम माप ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया है, मतलब यह किसी होल में या फिर किसी पाइप के अंदर माप लेने के लिए प्रयोग की जाती है। हुक क्या होता है, फंस जाता है फ्रेंड्स। आगे जो स्टील रूल है फ्रेंड्स, आगे की जो स्टील रूल है उसका नाम है की सीट रूल। की सीट रूल फ्रेंड्स, यह एंगल आयरन के समान होती है। एंगल आयरन ऐसा ही होता है, एंगल आयरन बना दे रहा हूँ मैं, ये जो दिख रही है आकृति, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आयरन। यह एंगल आयरन के ही समान होती है। अब देखिए ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह ये स्टील रूल हो जाएगी और ये ऊपर वाला ये वाला भाग हो जाएगा, तो ये एंगल आयरन के ही समान होती है। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, मान लीजिए ये है कोई बेलनाकार ऑब्जेक्ट है, ये आपका सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये जो है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लाइन खींचना है, ये आपका इसका अक्ष है मान लीजिए, इस अक्ष के समांतर हमें लाइनों को ड्रा करना है, तो वहाँ पे इसी रूल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, किनारे इसको सपोर्ट दे देंगे तो ये पार्ट सपोर्ट दे देगा और उचित लंबाई तक अक्ष के समांतर हम लाइनें इसके द्वारा खींच सकते हैं, क्योंकि इस पे पैमाना भी बना होता है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि सीट रूल क्या होता है, एंगल आयरन के समान होगी, यह किसी शाफ्ट पर इसके अक्ष के समांतर जो है लाइनें खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। अब क्यों लाइनें खींचते हैं फ्रेंड्स, ये भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस शाफ्ट में हमें की वे बनाना है, आप जानते हैं की वे जो है सदैव शाफ्ट के समांतर बनता है, तो ये की वे बनाने के लिए हमें लाइनें भी इस अक्ष के समांतर खींचना पड़ेगा, तभी तो की ये अक्ष के समांतर बनेगा या फिर शाफ्ट की सतह के समांतर बनेगा। तो वहीं पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला देखते हैं, आगे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल जो दिया है, ये जो है आपकी श्रिंक रूल है। श्रिंक रूल फ्रेंड्स, हिंदी में इसका कोई नाम नहीं होता है, हिंदी में आपको श्रिंक रूल लिख देता है ऐसे ही, तो ये जो है आपकी श्रिंक रूल है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कोई मोल्डिंग बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन बस एक चीज और जानिए, मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई धातु है उसको गर्म करते हैं आप लोग तो वो फैल जाती है, और जो भी ठंडा होगी वो सिकुड़ जाती है। तो जैसे किसी चीज़ की जब ढलाई की जाती है फ्रेंड्स, तो एक गड्ढा बनाया जाता है, इस गड्ढे को बोलते हैं मोल्ड, और मोल्ड जो है ये पैटर्न से बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स,
किसी चीज़ की ढलाई करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है, इस गड्ढे को मोल्ड कहते हैं, और ये गड्ढा जो है पैटर्न के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए पिघला हुआ पदार्थ इसमें आप डाल दिए, मान लीजिए 10 मिलीमीटर साइज का था और पिघला हुआ पदार्थ आप इसमें डाल दिए, तो जैसे ही अब ये ठंडा होगा तो ये अब 10 मिलीमीटर का नहीं रह जाएगा, हो सकता है 9 मिलीमीटर का ही रहे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है 9 मिलीमीटर का ही रहे या फिर इससे भी कम हो जाए। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी 10 और मिल गया क्या 9, क्योंकि 10 का मजर करके बनाए थे तो ये सिकुड़ के 10 हो गया। तो एक श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है इस पैटर्न के निर्माण में। ये करती क्या है कि कुछ साइज को बड़ा करके बनाया जाता है ताकि क्या हो, संकुचन के पश्चात, श्रिंकेज के पश्चात, संकुचन के पश्चात जो मटेरियल है, पहले तो अब 11 पर बना देंगे, अब ये सिकुड़ के क्या होगा फ्रेंड, 10 का बन जाएगा, और हमें 10 की ही आवश्यकता होती है, आवश्यकता थी, हमें 10 की ही आवश्यकता थी। तो फ्रेंड्स, अलग अलग धातु के लिए ये जो श्रिंक रूल होती है आपका अलग अलग होती है। जैसे कास्ट आयरन है, CI है, तो इसके लिए 1% विमाओं को बढ़ाकर श्रिंक रूल बनाई जाती है। स्टील के लिए फ्रेंड जो है 2.1% डायमेंशंस को बढ़ाकर श्रिंक रूल बढ़ाई जाती है। पीतल एल्युमिनियम के लिए 1.6% पीतल मतलब ब्रास, ब्रास और एल्युमिनियम के लिए 1.6% बीमा को बढ़ा कर आपका श्रिंक रूल बनाई जाती है। श्रिंक रूल मतलब क्या होती है फ्रेंड, श्रिंक रूल अब बताएंगे कि यह मोल्डिंग में पैटर्न मेकर के द्वारा प्रयोग की जाती है पैटर्न बनाने के लिए। इसकी जो साइज होती है एक्चुअल स्केल की साइज से कुछ ज़्यादा होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो मोल्ड बनेगा, गड्ढा बनेगा, बड़ा बनेगा, उस बड़े गड्ढे में आपका पिघला हुआ पदार्थ जाएगा। जब पिघला हुआ पदार्थ ठंडा होगा तो सिकुड़ने के पश्चात वो एक्चुअल साइज में आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये जो है फ्रेंड्स आपकी जो है डेप्थ रूल है, डेप्थ रूल। डेप्थ रूल का मतलब यह गहराई मापने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई, ये आपका होल किया गया है, ब्लाइंड होल, एक सिलेंडर में यहाँ तक होल किया गया है, तो हम पता लगाना चाहते हैं कि कितना गहरा होल है। तो सिंपली इसको यहाँ पे रख दीजिए, ये बेस है, बेस है, और ये आपकी जो है रूल है। ठीक है फ्रेंड, तो बेस रूल है, बेस को यहाँ रख देंगे और एक क्लैंप स्क्रू है, क्लैंप स्क्रू को ढीला कर देंगे। ये रूल जो है ऑटोमेटिक नीचे आएगी, जहाँ तक सतह होगा वहाँ तक पहुँचेगी, फिर इसको लॉक कर देंगे, और यहाँ पे जो भी रीडिंग है उसको पढ़ के हम बता देंगे कि ये जो गड्ढा है या फिर कोई होल है, ब्लाइंड होल, यह कितना गहरा है फ्रेंड्स। आगे जो फ्रेंड्स आपकी रूल है वो जो है कैलीपर रूल है, कैलिपर रूल। यह नैरो रूल ही होती है, लेकिन इसमें जो ग्रेजुएशन है सिर्फ एक तरफ बनी होती है फ्रेंड, इसमें जो ग्रेजुएशन है सिर्फ एक ही तरफ बनी होती है। यह जो है स्टैंडर्ड साइजों को लेने के लिए प्रयोग की जाती है, कैलिपर रूल स्टैंडर्ड साइज को लेने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आगे जो फ्रेंड्स आपकी जो रूल है उसका नाम है शॉर्ट रूल। अगली जो रूल है आपकी शॉर्ट रूल है, ये शॉर्ट रूल है, पेन बदल लेते हैं, ये शॉर्ट रूल है आपकी। तो देखिए इसमें छोटी छोटी पत्तियां हैं, इसमें जैसे 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1 इंच की छोटी छोटी आपकी क्या होती हैं, रूल होती हैं। देख रहे हैं छोटी छोटी रूलें हैं अलग अलग साइजों के, लिखा भी है 1 इंच, 1/2 इंच, 3/6 इंच, 1/4 इंच, और ये 3/4 इंच। तो फ्रेंड्स इन्हीं पत्तियों के द्वारा हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये आपका होल्डर है, ये हैंडल है,
और ये रूल क्लैंप स्क्रू है, इसको घुमाएंगे तो ये रूल बाहर निकल जाएगी और दूसरी रूल लगा के इसको घुमा दिया जाएगा दूसरी दिशा में, तो उसमें फंस जाएगी फ्रेंड्स। यह जो रूल होती है मैट्रिक और ब्रिटिश दोनों ही प्रणालियों में होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका प्रयोग हम कहाँ लोग करेंगे, अब हैंडल की सहायता से अधिक गहरी जगह में भी हम इसको ले जाके हम माप को चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं कौन सी रूल है। ये रहा आपका स्टील टेप, स्टील टेप है ये। अगला जो रूल है स्टील टेप है फ्रेंड्स, यह जो है आपका 5 फुट से 100 फुट तक की लंबाई में उपलब्ध होता है। 5 फीट से 100 फुट इसकी जो लंबाई होती है, 5 से 600 फुट तक की होती है। चौड़ाई इसकी जो होती है फ्रेंड्स, 1/2 इंच से 3/4 इंच तक होती है। इसकी चौड़ाई जो है 1/2 इंच से 3/4 इंच तक होती है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, तो हम लोग इससे लीनियर मेजरमेंट भी ले सकते हैं और कर्व मेजरमेंट भी इसके द्वारा हम लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं फोल्डिंग रूल। फोल्डिंग रूल, फोल्डिंग रूल फ्रेंड्स, ये जो है मेटैलिक वर्क के लिए नहीं प्रयोग की जाती है, यह कारपेंटर के द्वारा प्रयोग की जाती है। कारपेंट्री शॉप में आपका इस रूल का प्रयोग कारपेंट्री शॉप में किया जाता है। यह लगभग 3 फीट लंबाई की होती है। इसे गज भी कहा जाता है, गज गज या गेज, लेकिन गज कहते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इस रूल को गज भी कहते हैं और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कारपेंटरी शॉप में कहते हैं। कभी कभी यह पीतल की भी बनाई जाती है, यह लकड़ी की बनती है और यह पीतल की भी बनाई जाती है, मतलब वुडेन भी होती है और मेटैलिक भी होती है। आपका जैसा पहले ही बताया गया था कि रूल वुड की भी हो सकती है या फिर किसी मेटल की भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका जो रूल है समाप्त हो गया। अगला है स्केल। देखिए फ्रेंड्स, स्केल जो है दिखने में आपका जो है ठीक रूल के ही समान होती है, लेकिन अंतर होता है। स्केल जो है एक रेशियो है, अनुपात है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, स्केल क्या है, एक रेशियो है, एक अनुपात है, लेकिन आपका जो रूल है एक जो अनुपात नहीं है, उस पे स्टैंडर्ड साइजें दी गई होती है। इस पे कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं दिया गया रहता है, इस पे एक अनुपात में साइजों को बनाया गया होता है। इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क के लिए करते हैं। जहाँ पे जो बिल्डिंग बनानी है, कोई रोड बनाना है, मतलब हमें कोई बहुत बड़ी माप लेनी है या फिर कोई बहुत छोटी माप लेनी है, तो उस हिसाब से हम रेशियो मान के हम लोग एक स्केल बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, स्केल कहते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब इससे हम लोग कोई माप नहीं ले सकते हैं, केवल चेकिंग कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। इससे हम कोई माप या कोई साइज जो है नहीं ले सकते हैं। इसमें दो तरह की आपकी जो है स्केल दिखाई गई है, एक फ्लैट स्केल और एक ट्रेंगुलर स्केल। ऊपर वाली जो स्केल है यह फ्लैट है और नीचे वाली ट्रेंगुलर है। यह लकड़ी की होती है या फिर प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक या लकड़ी की होती है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, एक चीज़ पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा कि स्केल और रूल में क्या अंतर है, रूल और स्केल में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, सबसे देख लिए ये जो मेटल की होगी, रूल जो होगी मेटल की होगी,
या फिर उड की होगी, और ये हमेशा ही उड की होगी, या फिर हम लोग प्लास्टिक का भी बनाते हैं लेकिन हमेशा ये लकड़ी की होगी। दूसरा है, इस पे ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन होता है, इस पे भी ग्रेजुएशन होता है, लेकिन ये ग्रेजुएशन किसी अनुपात में होता है, रेशियो में, और इसमें स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन होता है। यह जो है डायरेक्ट मापी यंत्र है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जबकि यह इनडायरेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग रूल से लार्ज वर्क नहीं कर सकते हैं। लार्ज साइज का जो मापन है, जैसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, मापे नहीं माप सकते हैं, जबकि हम लोग स्केल से हम हजारों किलोमीटर की साइजों को माप सकते हैं, क्योंकि हमें एक अनुपात मानना है और माप सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, या फिर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछली वीडियो देखने के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाइए और पिछली वीडियो को देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए। और मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग शुरुआत से वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग से एक एक वीडियो पड़ी है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और किसी भी एग्ज़ाम में आप मान के चलिए कि 95% क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक सा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।